हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा आरपीएम के बारे में, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरपीएम की फुल फॉर्म क्या है। आरपीएम की फुल फॉर्म है रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये कैसे काम करता है, इंजन के अंदर क्रैंकशाफ्ट जो पिस्टन के थ्रू घूमती है, जब क्रैंकशाफ्ट अपना 360 डिग्री का टर्न लगा देती है, उसको एक रेवोल्यूशन कहा जाता है। आरपीएम गेज एक मिनट की रेवोल्यूशन को बताता है और हमारा इंजन विदाउट एक्सीलेटर चलता है। आरपीएम जो पेट्रोल गाड़ी होती है उनमें जो है 1000 होता है और जो डीजल होती है उनमें 800 के करीब होता है। जितना हैवी इंजन होता है उतना आरपीएम कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके देखिए, अभी आपको यहाँ पे सुई दिख रही है 5 और ये यहाँ पे 100, तो 500 आरपीएम है, यहाँ पे है 10+100 और यहाँ पे 15। तो इस तरीके से आरपीएम बढ़ता चला जाता है। तो अगर गियर डाउन में आपका जो आरपीएम है वो आरपीएम के हिसाब से आवाज़ जब आपको आती है तो उसके हिसाब से गियर मांगता है। आरपीएम के हिसाब से जो है गाड़ी गियर मांगती है, जैसे ही गियर लगाते हैं तो तभी आरपीएम गियर मांगता है। क्योंकि कई बार क्या है कि हम रेस ज़्यादा दे देते हैं तो हमारा आरपीएम हाई हो जाता है। हाई होने के कारण इंजन के अंदर का एयर या फ्यूल में दिक्कत आ जाती है, कम या ज़्यादा में, कई बार ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है। तो हमें ज़्यादा रेस नहीं देनी है, और अगर दे भी दे गलती से तो उसको दोबारा से वहीं पे लाके रोक देना है और फिर अपने गियर को जो है लगा देना है। और आरपीएम के ऊपर इंजन में एसवीआर डैमेज हो जाता है, रेस ज़्यादा से रेड जोन में आ जाती है आरपीएम। तो किसी जो छोटी गाड़ी हो उनमें जो है लाल यहाँ पर होता है और यहाँ पर जो है हरा है, तो वो रेड जोन में चली जाती है ज़्यादा आरपीएम होने के कारण। तो गाड़ी का आरपीएम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये आज मैंने बताया है आरपीएम के बारे में, और आरपीएम का यही मतलब है ज़्यादा रेस ना दे गियर लगाते हुए। जैसे गियर लगाया हमने दूसरा और इतना रेस दे दिया कि आरपीएम हमारा जो है बहुत ज़्यादा हो गया, फिर हमने गियर को लगाया बहुत टाइम बाद, तो उससे क्या है कि गाड़ी का संतुलन नहीं बनता है और इंजन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ आरपीएम के बारे में बताया है। रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम का मतलब होता है आरपीएम गुना 100, मतलब कि 5×500 आप इनको सबको लगा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक।